और श्रीलंका के बीच हुए दूसरे वनडे भारतीय टीम ने रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के दम पर 4 विकेट खोकर 392 रन बनाए। रोहित ने 153 गेंदों में 13 चौके और 12 छक्कों की मदद से नाबाद 208 रन बनाए। इस दोहरे शतक के साथ ही टीम की कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया। 3 दोहरे शतक लगाने वाले रोहित शर्मा दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज बन गए। वनडे के इतिहास में आज तक सिर्फ 7 दोहरे शतक लगे हैं। इन 7 दोहरे शतकों में 3 दोहरे शतक रोहित शर्मा ने ही मारे हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल और मार्टिन गप्टिल ने एक दोहरा शतक लगाया है। रोहित शर्मा ने इससे पहले साल 2013 में 209 रन और साल 2014 में 264 रन बनाए थे। रोहित और शिखर धवन दोनों ने पारी की शुरुआत की 100 रन की साझेदारी पूरी करने के बाद शिखर धवन 68 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने 88 रन बनाए और रोहित का साथ दिया। अय्यर ने 50 गेंदों में ही 50 रन बनाकर इंटरनेशनल मैच में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए महेंद्र सिंह धोनी आए, मगर वह महज 7 रन ही टीम के खाते में जोड़ सके। धोनी के बाद हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला और रोहित का साथ निभाते हुए टीम के स्कोर को 392 रन तक पहुंचाया।